नाम से तो आप लोग वाकिफ जरूर होंगे और सुना होगा कि नास्टरदमस ने ये भविष्यवाणी कर दी, वो भविष्यवाणी कर दी। खुद ने पढ़ा है आपने कि कहाँ बताया नास्टरदमस ने? अब कोर्स नहीं पढ़ा, लेकिन डोंट वरी, हम है ना, हम बता देंगे आपको भी कहाँ पर लिख गए और एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा है। दरअसल भैया नास्टरदमस की एक किताब है जिसका नाम है नास्टरदमस द कंप्लीट प्रोफेसेस इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब इस पुस्तक की खासियत और कहें कि ना खासियत ये है कि ये पुस्तक जो है ना वो ओरिजिनल फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। अब फ्रेंच तो ना मुझे आती है ना आपको आती है, इसलिए हमने इसका एक इंग्लिश वर्जन मंगा लिया जिसके अंदर ऊपर लाइनें फ्रेंच में लिखी थी, नीचे लाइनें इंग्लिश में लिखी थी। तो सोचा इस किताब को पढ़ते हैं, और जब हमने इस किताब को खोला तो इसके अंदर वाकई कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जो आप लोगों के होश उड़ा देंगे। अब इस दुनिया में एंटर करने से पहले आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दो और एक कमेंट करके आप बता दीजिए कि नास्टरदमस की कौन सी भविष्यवाणी आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली उन्होंने कहाँ लिखी थी और क्या लिखा था, ताकि हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक आप जानिए पहले नास्टरदमस है कौन, जिन्हें नहीं पता। दरअसल बात है 14 दिसंबर 1503 सन की, जब फ्रांस के अंदर नास्टरदमस का जन्म हुआ। ये एक मैथ के टीचर थे और फिजिक्स भी पढ़ाते थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो था एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आखिर इन्होंने भारत के लिए कौन सी प्रेडिक्शन कर दी वो भी आपको बताएंगे। दरअसल जो इनकी ये किताब है नास्टरदमस द कंप्लीट प्रोफेसेस इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसके अंदर लगभग 10 सेंचुरी है। अब सेंचुरी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपनी बुक होती है ना उसके अंदर चैप्टर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि 10 चैप्टर है और उनके अंदर लगभग 250 से ज्यादा कविताएं पोएम्स हैं जिसे सूत्र कहा जाता है। अब ये पोएम्स के रूप में ही प्रेडिक्शन लिखते थे, यानी कि 250 से ज्यादा इनकी प्रेडिक्शन है उसके अंदर। अब पहली सेंचुरी, ठीक है, पहली सेंचुरी के अंदर क्या लिखा है, पहली सेंचुरी के 50वें सूत्र के अंदर लिखा है जो ऊपर की चार लाइनें वो फ्रेंच में लिखी है, नीचे की चार लाइनें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। उसके पेज नंबर 16 पर लिखा हुआ है फ्रॉम द थ्री वाटर साइन विल बी बोर्न ए मैन हु विल सेलिब्रेट थर्सडे एज हिज हॉलीडे, रिनॉन हिज रिनॉन प्रेज रूल एंड पावर विल ग्रो ऑन लैंड एंड सी ब्रिंगिंग ट्रबल टू द ईस्ट। अब आपको हिंदी में इसका मतलब बता देते, यानी कि तीन जल राशियों में से एक व्यक्ति का जन्म होगा जो गुरुवार को अपनी छुट्टी के रूप में मनाएगा, उसकी प्रसिद्धि प्रशंसा शासन और शक्ति बढ़ेगी, भूमि और समंदर पर पूर्व की ओर संकट ला सकता है। ये थी उनके 16वें नंबर पेज पर लिखी बात। अब ये तीन जल राशियां कौन सी हैं, कौन सा व्यक्ति गुरुवार को छुट्टी करेगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे जाके ये भी समझाऊंगा। अब पहले एक चीज सुनिए, त्रिगुण आप लोगों ने नाम सुना है, ये त्रिगुण से नहीं आ रहा है, त्रिगुण रजो तमो सतो इनको कहते हैं त्रिगुण। अब इसकी खासियत ये है कि जो शिव जी हैं उनको माना जाता है वो जल बर्फ के माने जाते हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो जल बादल के, और जो विष्णु जी हैं वो जल यानी कि लिक्विड के। अब आप लोगों को पहले जानना होगा गुरु देवदत्त के बारे में। गुरु देवदत्त तीन राशियों से उत्पन्न हुए, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत करी। अभी थोड़े दिन पहले आप लोग जानते होंगे कि गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करी जाती है, आखिर क्यों करी जाती है कभी सोचा है? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत करी थी वो थे गुरु देवदत्त जी, और ये माना जाता है कि ये इन्हीं तीनों राशियों से उत्पन्न हुए थे। अब जो इसके बाद आता है कि गुरुवार, यानी कि गुरुवार के दिन छुट्टी की होगी, यानी कि गुरु देवदत्त को ये दिन समर्पित किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, सेंचुरी 6 के सूत्र 27 में एक चीज लिखी है जिसके अंदर लिखा है विद इन द Isles of five river to run through the expansion of great giant saline through the dredges in the air the fury of one six escape hidden bundle of flax। अब इसका हिंदी मतलब है पांच नदियों के द्वीपों के भीतर एक महान giant saline के विस्तार के माध्यम से हवा में बूंदाबांदी के माध्यम से एक का शेष छह बच निकले सन के छिपे हुए बंडल। काफी अजीबोगरीब से बातें लिखी है, जानता हूं। दरअसल जितनी भी भविष्यवाणी है वो इसी टाइप से कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ही लिखी जाती है, बस उन्हें डीकोड करके अपने अकॉर्डिंग मतलब निकाला जाता है। अब इसका जो मतलब निकलता है, पहले देखिए पांच नदियों के द्वीपों के भीतर एक महान साइरन सेलिन के विस्तार से, पहले ये समझिए कि जो साइरन सेलिन है वो कल्कि अवतार को डिनोट किया गया। पांच नदियां यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर पांच नदियां बहती और उनका संगम हो, और ऐसा भारत के अंदर एक राज्य है यानी कि पंजाब। वो पंजाब, अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि कल्कि अवतार इस समय पंजाब में हो, जरूरी नहीं वो अपना पूरा जीवन पंजाब में बताएंगे, लेकिन उनका जन्म पंजाब में होगा ये डेफिनेटली फिक्स है। अगली लाइन में एक और चीज लिखी है कि छह लोग बच निकलेंगे और वो इस जगह में छुप जाएंगे। कहाँ छुपेंगे? जहाँ पर अलसी का उत्पादन होता है। अलसी आप लोग जानते हैं क्या चीज होती है,
जहाँ पर वो उत्पन्न होती है वहाँ पर जाकर वो छह लोग छुप जाएंगे। अब वो छह लोग कौन से हैं, वो क्यों छुपेंगे, क्या बात है अलसी से उनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में इस प्रेडिक्शन के अंदर कोई भी बात नहीं लिखी गई है। तो मैं अपने मन से भी आप लोगों को क्या बताऊँ ना। अब आगे चलते हैं, आगे सुनिए इन्होंने क्या लिखा। आगे एक नंबर दो है जिसके अंदर लिखा है 6 + 7 = 13, 13 + 13 = 26 यानी कि 26। इसी 26 अंक से संत अच्युतानंद दास ने भारत पर भविष्य में होने वाले युद्ध के बारे में बताया। संत अच्युतानंद दास यानी श्री कृष्ण जी के जो पंच सखा थे उनके कलयुग के अंदर अवतार माना जाता है और उनके द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी गई थी। उन्हीं में से एक थी भविष्य मालिका जिसके अंदर ये 26 अंक को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। भारत युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा, इसमें इस्लामिक देश आक्रमण करेंगे, तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल मंडराएंगे। ज्योतिष के अनुसार साल 2024 में शनि कुंभ से मीन राशि में आएंगे और 2.5 साल तक इस राशि में रहेंगे। उड़ीसा का हीराकुंड बांध टूट सकता है, वे इसके चलते आधा राज्य जलमग्न हो सकता है। 2024 में पीएम या तो प्रधानमंत्री मोदी होंगे या योगी जी होंगे। कलयुग के अंत में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर शायद तक अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आते हैं सूर्य से उसकी बात करेगी, क्योंकि उससे कैंसर होता है और जो अर्थ की ओजोन लेयर है वो भी खत्म होती जा रही है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन देने वाला सूरज जीवन लेने वाला बन जाएगा। बुजुर्ग शिक्षकों का निरादर होगा, वही अज्ञानी और पकंडी लोगों को ठगेंगे, नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे ही ना, दुनिया में अप्राकृतिक संबंध बनेंगे। आर्टिकल 377 इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। नेपाल में तो अब चीज लीगल भी कर दी गई, वह भारत में भी कर दी गई थी, और जंगली जानवर इंसानों पर हमला करेंगे। जब इंसान जानवरों की जगह पर अपने घर बनाएंगे तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और ये चीजें आज के समय में हो भी रही हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या कलयुग का अंत वाकई नजदीक है, क्या आप लोग भी इस बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। या आप लोगों के कोई और विचार है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।